आरजेडी की सरकार है बहुत अच्छी कर रही है और स्टूडेंट को बहुत हेल्पफुल मिल रहा है और वैकेंसी टीचर का मतलब हर एक सेक्टर में मिल रहा है, इसलिए मैं जो युवा वर्ग अभी खुश हूँ फिलहाल इस सरकार से। तेजस्वी से खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ 100%। नेता छोड़ के बनिया बैकाल के हाथ में देश आ गया है। बनिया बैकाल कौन है जी? अरे यही अब वोटिंग टाइम में है तब ना आया है वैकेंसी, पहले कहाँ था वैकेंसी? हाँ, अब देश बिक रहा है, फिर देखिए आगे आएगा तब ना मानेंगे। देश तेजस्वी थोड़ी बेच रहे हैं, केंद्र में तो और किसी और की सरकार। अरे क्योंकि अभी देखिए जो भी गवर्नमेंट कंपनी है या कोई भी अभी मतलब जैसे अभी लेता ये NTPC लिया एग्जाम जो टाटा को दिया था वो अच्छा लिया, और यही अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ, तो बहुत हद तक कोई कोई सेक्टर जो है ना प्राइवेट भी जरूरी है वहाँ पे काम करने के लिए। जैसे प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट में अभी कोई भी काम रहता जल्दी हो जाता है, गवर्नमेंट में बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है। जैसे जो भी हरियाणा या बाहर से जो टीचर यहाँ नियुक्त हुए हैं वो खुद बोल रहे थे कि अब बिहार वैसा जैसा सुने वैसा है ही नहीं। अच्छा नहीं है? नहीं यार, बदल गया है। हाँ बदल गया। हाँ। वो बाहरी लोग खुद अब बोल रहे हैं। जिसका जो योग्यता है वो अपना एफिशिएंसी के साथ काम करे, जो जिसके साथ कहीं भी देश एक है तो कहीं का आदमी आ सकता है, बिहार में आए स्वागत है और हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप ही जैसे छात्र जो है वो विरोध कर रहे थे इस चीज का कि बाहर के लोग आके दे रहे हैं, हमारी हकमारी हो रही है बिहार में। इलेक्शन आने के बाद अभी 24 में केंद्र सरकार का इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम पर शायद अभी वैकेंसी आई, 25 में राज्य सरकार का इलेक्शन है, उसको लेकर हो सकता है कि राज्य सरकार अपना पिटारा खोल दिया है जिस वजह से नौकरियां काफी मिल रही है, पर हो सकता है जब इलेक्शन खत्म हो फिर 2-3 साल नौकरियां देखने को नहीं मिले। चुनावों के कारण ये सब होता है, चुनाव के कारण होता है। आज देखिए अभी 24 होगा, 25 के बाद 29 तक कोई वैकेंसी नहीं देगा, बीच में आएगी कोई वैकेंसी नहीं देगा ना। क्या लगता है भैया कोई वैकेंसी मिलेगा? अब तो वो सरकार पे ही निर्भर करती है, अभी तो फिलहाल दे ही रही है। अभी दे रही है, अभी दे रही है। वैकेंसी जो आ रही है अभी वो सतत होनी चाहिए, ये वोट बैंक की राजनीतिक जैसा दिख रहा है अभी, हमेशा ना चाहिए, हर मतलब प्रत्येक सतत होनी चाहिए वैकेंसी। चलिए एक तरफ तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और के पाठक एक मंच पर बैठे हुए थे, शिक्षा मंत्री एक मंच पर थे, और वहां से ऐलान होता है कि तमाम नियुक्ति पत्र जो है उनके वितरित होता है और कहा जाता है कि बाकी का जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन एक तरफ जब नीतीश और तेजस्वी आते हैं सरकार में तो लोग कहता है कि जंगल राज बढ़ गया है। सबरे नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ आशुतोष उपाध्याय। देखिए युवा है, पढ़ते हैं यहाँ पर आकर, और यहाँ पे GK GS का और तमाम तरीकों की जो तैयारियां हैं सरकारी जो कंपटीशन है उसको लेकर यहाँ पे करते हैं। पहले इनसे शुरू करेंगे हम, क्या लगता है बिहार में रोजगार को लेकर लोग हमेशा सवाल उठाता था, अब रोजगार लोगों को मिल रहा है, ऐसा मानते हैं? हाँ अभी तो रोजगार मिल रहा है, जो RJD की सरकार है बहुत अच्छी कर रही है। हाँ। और स्टूडेंट को बहुत हेल्पफुल मिल रहा है और वैकेंसी टीचर का मतलब हर एक सेक्टर में मिल रहा है, इसलिए मैं जो युवा वर्ग अभी खुश हूँ फिलहाल इस सरकार से। तेजस्वी से खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ 100%। लोग कहते थे जंगल राज है, वो जंगल राज विरोधी राजनीति जो है उसको तो रोटी सेकना हो तो बोलबे करेगा जंगल राज, तो बोलेगा। हाँ तो बोलेगा ना, विपक्षी का काम है बोलना, लेकिन अभी वैसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं चलिए बताइए भैया क्या लग रहा है बिहार में को लेके? बिहार में अच्छा लग रहा है, रोजगार दे रहा है, रोजगार दे रहा है, रोजगार मिल रहा है। हाँ, तेजस्वी यादव उनके बारे में क्या कहिए? तेजस्वी यादव अच्छे, अभी जो वादा किया था वो वादा पूरा करती हूँ, पूरा कर रहे हैं। डोमिसाइल नीति के बारे में आप लोगों को पता होगा ना, तो डोमिसाइल नीति तो कहे थे कि हम रद्द कर देंगे आएंगे, तो मतलब डोमिसाइल नीति जो नहीं लगेगा और उसके बाद से बाहर से जो लोग हैं वो परीक्षा के नहीं देंगे, तेजस्वी यादव का ये था प्रॉमिस वो किए हुए थे लोगों से, क्या लगता है वो तो कर दिए फिर पूरा प्रॉमिस? पूरा किया तो अच्छा है, इनके पूरा मान के चलिए सबको मिल रहा है रोजगार, तो भी अच्छा है। बिहार के युवा को रोजगार मिल रहा है, बिहार के बाहर के भी युवा को रोजगार मिल रहा है, बिहार के युवा का हक नहीं मारा जा रहा है? हक क्या मारा, जिसमें क्वालिटी अपना ले रहा है, बिहार मान के चलिए क्वालिटी रहेगा तो अपना लेगा, बिहार में क्वालिटी रहेगा तो लेगा। अच्छा क्या कहिएगा आप, बिहार का क्या कहिएगा, मतलब जो क्वालिटी रहेगा वही लेगा, बाहर से लोग आके ले रहे हैं? जिसका जो योग्यता है वो अपना एफिशिएंसी के साथ काम करे, जो जिसके साथ कहीं भी देश एक है तो कहीं का आदमी आ सकता है, बिहार में आए स्वागत है और हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप ही जैसे छात्र जो है वो विरोध कर रहे थे इस चीज का कि बाहर के लोग आके दे रहे हैं, हमारी हकमारी हो रही है बिहार में। ऐसा कुछ नहीं है, जिसके पास योग्यता है वो अपना सिद्ध करे और सरकारी नौकरी में भागीदारी ले। हम लोग भी तो यूपी जाते हैं एग्जाम देने के लिए, वहाँ जॉब करते हैं, तो यूपी वाला कहीं बिहार आ सकता है? इसमें कोई राजनीति नहीं, इसमें कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। क्या कहिएगा भैया, कैसा माहौल है अभी रोजगार को लेके? रोजगार के लेकर के माहौल अभी बहुत अच्छा चल रहा है, आगे की सरकार अच्छा ही करेगी। और अभी जो डोमिसाइल नीति है ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने मतलब कि जो सरकारी स्कूल में पढ़े वो हिंदी माध्यम से पढ़े हैं,
बाकी स्टेट में इंग्लिश माध्यम से पढ़े हुए हैं उनसे हमें कुछ बेहतर सीखने को मिलेगा। तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, अच्छी काम कर रहे हैं, अच्छी काम ही कर रहे हैं। चलिए और बात करेंगे, क्या लगता है तेजस्वी यादव जो वादा किए थे, वादा पूरा हो रहा है? वादा क्या पूरा हुआ है, नेता छोड़ के बनिया बैकाल के हाथ में देश आ गया है। बनिया बैकाल कौन है जी? अरे यही अब वोटिंग टाइम में आया तब ना आया है वैकेंसी, पहले कहाँ था वैकेंसी? हाँ, अब देश बिक रहा है, फिर देखिए आगे आएगा तब ना मानेंगे। देश तेजस्वी थोड़ी बेच रहे हैं, केंद्र में तो और किसी और की सरकार। अरे बहुत लोगों की सरकार है लेकिन अभी ना आया वैकेंसी, वैकेंसी आना चाहिए था पहले भी ना। हाँ, अब इसके बाद आएगा तब मानेंगे कि फिर हाँ सरकार हमारी सही है। लेकर तो आ रहे हैं, बाकी का जो भर्ती प्रक्रिया था वो भी तो पूरा करें। नीतीश कुमार कह दिए की के पाठक से की देखिये भैया आप जो बचा हुआ है वो भी पूरा कर दीजिए। इसी में तो लोग समझ नहीं पाता है, ये सब ऊपर का खेल है। तब हाँ, तो नीतीश कुमार और तेजस्वी अच्छा काम नहीं कर रहे हैं क्या है? आज आके दिखा दिए, फिर हमेशा काम करेंगे तब ना, एक दिन काम करने से हो जाएगा। बिहार में लोग कह रहे हैं जंगल राज, ऐसा बात सही है? सही है, हाँ जंगल सब है, जंगल राज है। चलिए भैया जंगल राज सब है, यहाँ भी जानेंगे इन लोगों से क्या लगता है बिहार में सही में जंगल राज हो तो पूरा एकदम कह दिए फंकी मूड में। अभी तो मतलब फिलहाल जो परिस्थिति है उसके अनुसार तो नहीं लग रहा है कि जंगल राज, अभी तो सब कुछ ठीक है चल रहा है। लेकिन कहा जाता है कि बिहार में, और पटना की बात कर ली, डेली मतलब एक आधिकारिक आंकड़ा निकलता है कि डेली एक हत्या होता है, लूट होता है, इस तरीके का आधिकारिक आंकड़ा है जो प्रशासन के पास बहुत सारा नहीं पहुंच पाता है, हम और आप भी देखते होंगे, तो क्या लगता है जंगल राज नहीं है? हाँ वो सब तो होते रहता है, वो सब होते रहता है। और शिक्षा के व्यवस्था में या फिर रोजगार के व्यवस्था में तेजस्वी ने कैसा काम किया है? अभी तो मतलब कि ठीक है, वैकेंसी कुछ मिल रहा है। हाँ, अभी ताली मार रहे थे जी वो बोले तो नहीं, हम ताली नहीं मार, आप नहीं ताली मारे हैं, आप उनके सहयोग मतलब आप उनके पक्ष में नहीं है, गलत नहीं। अभी तो मतलब जो परिस्थिति है उसके अनुसार ठीक है, परिस्थिति है उसके अनुसार ठीक है। आपका क्या मानना है कि इलेक्शन आने के बाद, अभी 24 में केंद्र सरकार का इलेक्शन है, इलेक्शन के टाइम पर शायद अभी वैकेंसी आई, 25 में राज्य सरकार का इलेक्शन है, उसको लेकर हो सकता है कि राज्य सरकार अपना पिटारा खोल दिया है, जिस वजह से नौकरियां काफी मिल रही है, पर हो सकता है जब इलेक्शन खत्म हो फिर 2-3 साल नौकरियां देखने को नहीं मिले। तो पिटारा के बहाने ही युवा कम से कम बेरोजगार से रोजगार तो मिल रहा है जी उसको, पर अभी तो फिलहाल में जो कह सकते हैं ना, अभी एक साल पहले कोई नौकरी नहीं थी, मगर अभी फिलहाल में शिक्षा में, दरोगा में, कॉन्स्टेबल में, सब में वैकेंसी है, जहाँ देखिए वहाँ वैकेंसी की मतलब सब सारे विभाग में वैकेंसी है। पर ये 2 साल पहले कहाँ थी, हम लोग का एज जो बीत रहा है 2 साल, उसमें तो एज घट रहा है, पर 2 साल पहले वैकेंसी आनी चाहिए थी। नहीं, तेजस्वी जी के बारे में एक लाइन आप। तेजस्वी अब फिलहाल में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा एक बात बताइए, उनके पिताजी का छवि काफी बिगड़ गया था, आपको ये बात पता है, लोग उनको काफी अलग अलग चीजों से प्रमोट करता है, बोलता है, तो क्या आप पिता का छवि तेजस्वी अच्छा कर रहे हैं जी? उसमें कहीं हद तक ठीक कर रहे हैं, बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी जो टीचर वाला मुद्दा था, तो उन्होंने ही बोला था कि मतलब अदर स्टेट वाले को जो है ना हम अलाउ नहीं, बंद करेंगे, लेकिन इसमें क्या फिर से वही मतलब काम कर रहे। पहली बात है कि गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट सेक्टर में भी बढ़ाना होगा गवर्नमेंट को, एक सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में ही नहीं, प्राइवेटाइजेशन का आप सपोर्ट करते हैं? हाँ, मतलब बहुत हद तक, बहुत जगह पे जरूरी भी है प्राइवेटाइजेशन, अगर आगे बढ़ना है तो प्राइवेट कंपनी आएगी तभी, क्योंकि अभी देखिए जो भी गवर्नमेंट कंपनी है या कोई भी, अभी मतलब जैसे अभी लेता ये NTPC लिया एग्जाम, जो टाटा को दिया था वो अच्छा लिया, और यही अभी बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ, पेपर लीक हुआ। तो बहुत हद तक कोई सेक्टर जो है ना प्राइवेट भी जरूरी है वहाँ पे काम करने के लिए, जैसे प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, प्राइवेट में अभी कोई भी काम रहता है जल्दी हो जाता है, गवर्नमेंट में बहुत धीरे धीरे प्रोसेस होता है, तो इसके लिए बहुत दोनों भी जरूरी है, कुछ दोनों जरूरी है। क्या लगता है दोनों जरूरी है? ठीक है जहाँ तक, मगर हर साल जो इसके बारे में जब आना चाहिए, जॉब हर एक साल आना चाहिए, काहे के बताइए आप ही, आज अगर रोटी का अगर काम है तो कल अगर आपको रोटी दिया जाएगा तो क्या करिए, आप जीवित रहिएगा कि मर जाइएगा? कुल मिला के बात बताइए, बिहार सरकार अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है? अभी तो ठीक कर रही है, मगर बाद में क्या होगा इसके ये तो बात नहीं, नहीं है। आपको क्या लगता है चुनावी लॉलीपॉप है ये? चुनावी के कारण ये सब होता है, चुनाव के कारण है। आज देखिए अभी 24 होगा, 25 के बाद 29 तक कोई वैकेंसी नहीं, बीच में आएगी कोई वैकेंसी नहीं देगा ना? क्या लगता है भैया कोई वैकेंसी मिलेगा? अब तो वो सरकार पे ही निर्भर करती है, अभी तो फिलहाल दे ही रही है, अभी दे रही है, अभी दे रही है। तेजस्वी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ अच्छा काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं तो मतलब अच्छा ही काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। थोड़ी सी कमी है कि 5 साल के बीच में जब चुनाव आता तभी देते हैं, चुनाव आता तभी बोलते हैं, हर साल देना चाहिए, जैसे लड़कों में कंटिन्यूटी बनी रहती है और ऐसे लड़के निकल
निकलते भी रहते हैं नौकरी वोकरी पर। चलिए बिल्कुल, देखिए इनसे भी बातचीत करेंगे। हाँ भैया बताइए, क्या कुछ कहिएगा? तेजस्वी जी अच्छा काम कर रहे हैं? एकदम अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, बात रहा कि जो बोल रहे हैं कि यूपी में, हाँ, कि मतलब यूपी का अदर स्टेट का जो इधर बिहार में आ रहे हैं, तो बीएड के लिए सरकार ने ये जारी किया था कि अब बीएड के लिए उतना स्टूडेंट एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा था कि फॉर्म के लिए उतना फिलअप किया जाए, जिस कारण से बिहार सरकार को ये करना पड़ा तेजस्वी यादव जी को कि अदर स्टेट को भी, ताकि फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा लड़का ये मतलब अदर स्टेट से आकर के ये अप्लीकेबल हो सके उस पोस्ट के लिए। कुल मिलाकर अच्छा काम कर रहे हैं? एकदम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं? यस। हाँ, बिहार में जंगल राज से तुलना किया जाता है कि बिहार में जंगल राज है, अब बहुत परिवर्तन हो रहा है धीरे धीरे। बहुत परिवर्तन हो रहा है? यस। या आप खुद जैसे जो भी हरियाणा या बाहर से जो टीचर यहाँ नियुक्त हुए हैं, वो खुद बोल रहे थे कि अब बिहार वैसा जैसा सुने वैसा है ही नहीं। अच्छा, नहीं है? नहीं, बिहार बदल गया है। हाँ, बदल गया। वो बाहरी लोग खुद अब बोल रहे हैं। तेजस्वी के बिहार बदलने से आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं। हाँ, तो क्या लगता है तेजस्वी अच्छा काम कर रहे हैं? देखिए, अच्छा तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो है, जो वैकेंसी जो आ रही है अभी, उस सतत होनी चाहिए। ये वोट बैंक की राजनीतिक जैसा दिख रहा है अभी, हमेशा ना चाहिए, हर मतलब प्रत्येक सतत होनी चाहिए वैकेंसी। ये नहीं कि कंटिन्यूटी बरकरार, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये ना कि अब वही आया, इलेक्शन आया तो भर दो पूरा, लाख दो लाख में बाली, उसी को हर साल देते, 20-20 हजार करके देते, 50-50 करके देते, और एक ही बार जो है, एक ही बार पूरा वैकेंसी, तो वोट बैंक ही दिख रहा है, वोट बैंक दिख रहा है। चलिए देखिए, एक दो लोगों से और बातचीत करेंगे हम। भैया, आपसे से बात करेंगे हम, पहले भी स्टार्ट भी आपसे करें, अंत भी आप ही से करेंगे। एक से पांच तक जो अभी भर्ती हुआ है शिक्षकों का, लोग कह रहा है कि कोई भी आ गया है डीएलएड के माध्यम से, इसमें हमको भी थोड़ा, हाँ, नहीं नहीं सही बात, इसमें हमको भी थोड़ा डाउट लग रहा है कि कुछ न्यूज वायरल हुआ था, वो सबको मतलब शिक्षा मंत्री का नाम नहीं पता, प्रधानमंत्री क्या है, रक्षा मंत्री का नाम नहीं पता, उसमें संशय है, लेकिन जांच का विषय है, उसमें हम कुछ कहा, मैं उतना नहीं कह सकता हूँ। और जहाँ रहा बात तेजस्वी और चिराग पासवान का, पार्टी का प्रवक्ता जैसा एकदम कह रहे हैं कि हम जांच का विषय, हम कुछ नहीं कह सकते। भैया, आप बोले थे तेजस्वी और इसके बारे में चर्चा होना चाहिए, क्या वो बिल्कुल करेंगे, लेकिन नहीं, बिल्कुल करेंगे उसके बारे में, लेकिन आप एकदम प्रवक्ता जैसा, नहीं जैसे प्रवक्ता होता है एकदम कह दिए। मेरे पास कोई सबूत सूचना नहीं था, हम कैसे मैं बोल दूं कि एक अथी हुआ है, लेकिन जैसे हम न्यूज पता चला है, मतलब जांच का विषय है अपना, वो जो पार्टी का आयोग है या जो उसका मेंबर है, वो सब मतलब इसका जांच पड़ताल के लिए क्या है ना है, लेकिन उसमें डाउट का विषय है,